हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने विंडोज़ 11 का लेटेस्ट अपडेट 24H2, उसमें मैंने बताया था उसे आपको डाउनलोड कैसे और इंस्टॉल कैसे करना है। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसमें विंडोज़ 11 24H2 के लेटेस्ट फीचर्स हैं जो कि हम वन बाय वन इसमें सभी डिस्कस करेंगे। और इसमें 10+ न्यू फीचर्स आए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो कि हमारा फर्स्ट फीचर्स है। आपने जब आप अपने विंडो बूट करते हैं तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा इंटरफेस आता था जैसे कि ये आ रहा है इंस्टॉल नाउ करके, और आपका यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर का आता था। बट जो आपका लेटेस्ट अपडेट है 24H2, उसमें आपका कुछ देख सकते हैं, आपका इंस्टॉल विंडोज़ 11 और सेकंड में आपका रिपेयर माई पीसी का, ये दो ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि इसमें ये एक फर्स्ट चेंजेस है। अब मैं इसकी सेकंड चेंज की बात करूँ तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली स्कैन करके अपना हॉटस्पॉट वाईफाई शेयर कर सकते हैं, जो कि आप जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको एक यहाँ ऑप्शन दिखेगा वाई नेटवर्क एंड इंटरनेट का। जैसे ही आप नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आएंगे तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मोबाइल हॉटस्पॉट। मोबाइल हॉटस्पॉट में आने के बाद में जैसे कि आपको पहले क्या करना पड़ता था कि आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ता, बट अब इस लेटेस्ट अपडेट में क्या हो गया है कि आप डायरेक्टली अपना QR कोड ये आ गया, इसको आप स्कैन करेंगे और आप इंटरनेट को ईजिली शेयर कर सकते हैं। की बात करते हैं नेक्स्ट फीचर में क्या है, आपका इसमें एक एनर्जी सेवर का ऑप्शन आ गया है जिससे कि आप अपनी बैटरी को इजीली सेव कर सकते हैं। पीसी की तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं और इसमें आपका बैटरी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप इसमें एनर्जी सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा सिस्टम का। सिस्टम पे आपको क्लिक करने के बाद में आपको एक यहाँ ऑप्शन आएगा पावर एंड बैटरी का। जब आप पावर एंड बैटरी पे क्लिक करेंगे तो आपका एक यहाँ पे न्यू फीचर आया है एनर्जी सेवर का, जो कि आप ऑन करके इजी बैटरी आप इजीली सेव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्विक शॉर्टकट की, जो कि हमारा यहाँ पे एक क्विक शॉर्टकट होता था जिसपे हम इजीली अपने ब्लूटूथ एयरप्लेन मोड और एनर्जी सेवर का इजीली ऑन ऑफ कर सकते थे, जो कि हमारा एक जिसमें ये न्यू फीचर्स आया है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम स्क्रॉल अप डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पुराने 23H2 में अभी तक ये नहीं था, बट 24H2 के लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पे इजिली आप इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करें। नेक्स्ट फीचर में क्या है, नेक्स्ट फीचर में आप जैसे कि आपकी कोई फाइल है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में आप इसको इजिली फाइल कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जिप फाइल 7Z और ये टार फाइल इसका एक्सटेंशन है, और इसमें आपका एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल ऑप्शंस करके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आर्काइव फॉर्मेट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको किस फॉर्मेट में आपको फाइल चाहिए कंप्रेस फाइल, आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एक इसमें नया शॉर्टकट है साउंड कंट्रोल ओपन करने का, नया विंडो कंट्रोल प्लस वी। जैसे आप विंडो कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो आपका यहाँ पे एक आपका साउंड का ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपने कुछ एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करी है तो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये फीचर्स तो आपका ओल्ड है, 23H2 22H2 में भी आपको मिल जाता है कस्टमाइज़ करने के लिए, वैल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद हम इसमें एक और भी फीचर आ गया यहाँ पे कि आप बैकग्राउंड नॉइज़ को इजीली साइलेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप साउंड में जब एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से आप साउंड को इजीली साइलेंट भी कर सकते हैं, मीन बैकग्राउंड नॉइज़ को आप कम भी कर सकते हैं। और हम इसमें अगर हम एक न्यू फीचर्स की बात करें तो इसमें स्नैप लेआउट का एक न्यू फीचर्स आया हो, जैसे आपको यहाँ से आप इजीली यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि 22 और 23H2 में इतना इसमें कस्टमाइज़ का ऑप्शन नहीं था, बट इसमें आप देखिए इजीली जैसे आपको सूटेबल है आप वैसे ही इजीली इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब हम एक न्यू फीचर्स की बात करते हैं। इसमें एक न्यू फीचर आ गया है स्निपिंग टूल का। जैसे कि आप स्निपिंग टूल को यूज़ करते थे, बट इसमें स्निपिंग टूल में थोड़ा चेंजेस आया हुआ है। अगर हम इसे ऑन करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यू का है और एक यहाँ पे वीडियो स्निप, आप इससे वीडियो का भी स्निप बना सकते हैं। बट ये तो 23H2 में भी था। अब न्यू फीचर इसमें क्या है, जैसे कि आप कोई भी एक एग्जांपल में आप एक स्निप लेते हैं, स्निप लेने की शेप भी दे सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जितना भी कट चाहिए तो आप यहाँ स्क्वायर सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से स्क्वायर करेंगे और आपका ये इतना एरिया कट हो जाएगा। आपको सर्कल चाहिए, आप सर्कल करेंगे यहाँ पे तो आपका इतना एरिया सर्कल में कट हो जाएगा।
ओके और एक जो कि हमारा ये लास्ट फीचर है, जैसे कि पहले हम किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते थे, अब उसमें कॉपी पेस्ट में और भी फीचर्स आ गए। जैसे हम आपकी मान लीजिए कोई फाइल है, फाइल पे हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं पहले ये 23H2 में इतने फीचर्स नहीं थे, बट यहाँ पे आपका डायरेक्टली कट का भी आ गया, कॉपी भी आ गया, रीनेम भी आ गया है, और इसमें आपका शेयर भी आता है। और पहले इसमें डिलीट का भी नहीं था और यहाँ पे शेयर का नहीं था, बट इसमें न्यू फीचर में सब कुछ आपको शॉर्टकट मिल जाता है। बहुत ही मीन्स अच्छे फीचर है इसमें, और इसमें को पायलट का भी थोड़ा सा एडवांस हो गया है, उसकी भी मैं एक कट के न्यू फीचर्स को बताऊंगा। ओके थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है। ओके थैंक यू।